हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है ना, मैं बर्थडे ब्लॉग शेयर करने वाली थी, लेकिन हुआ क्या कि पूरा बर्थडे ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया। एक्चुअल बर्थडे के दिन मेरी थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ हो गई थी। मेरे बेटे का बर्थडे था, स्पेशल था क्योंकि नेक्स्ट ईयर पता नहीं कहाँ हो वो, तो इसलिए हमेशा ही लगता है कि जो प्रेजेंट टाइम है ना, उसको बहुत अच्छे से इन्जॉय किया जाए। छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं लाइफ के जिनको हम ट्रेजर की तरह सेव कर सकते हैं, और बाद में वो बच्चों, मतलब हमारे ना रहने पर बच्चे उसको याद करेंगे। मतलब बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है करना, और हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा छोटा छोटा जरूर करूँ जिससे कि वो मेमोरेबल हो जाए। तो हमेशा ठाकुर जी की कृपा रहती है, और अनंत के बर्थडे पे पता नहीं, मतलब कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र हैं, कुछ ऐसे हमारे प्रारब्ध हैं कि उसके बर्थडे के टाइम पे हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे उसका फर्स्ट बर्थडे हमने सेलिब्रेट नहीं किया था, क्योंकि उसके फर्स्ट बर्थडे के टाइम मेरा बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था। मैं पूरा कम्प्लीटली बेड पे थी उस टाइम। उसके बाद भी हर साल, मतलब उसका बर्थडे आने वाला होता है ना, तो मेरी ऐसे धुक 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 होने लगती है कि हे भगवान सब सही रहे। तो बस सब सही ही है, क्योंकि जो है वो हमारा ही किया हुआ है जो हम भोग रहे हैं। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी इस बार भी। उसके बर्थडे के दिन मेरी थोड़ी सी तबीयत गड़बड़, विधि की भी थोड़ी तबीयत गड़बड़, फिर भी मैंने कोशिश की। और एक दिन पहले 27 को मैंने क्या क्या किया, शॉपिंग के लिए गई थी, बहुत दिनों के बाद घर से बाहर निकली थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मार्केट थोड़ा सा, और भूतान मार्केट है, वहाँ पे गिफ्ट शॉपिंग के लिए क्या क्या जगह है जहाँ आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे गिफ्ट्स ले सकते हैं। तो अगर आप ट्रांसगुमती एरिया में रहते हैं, भूतनाथ में रहते हैं, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ में कुछ और चीज़ें जो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी वो आपके साथ शेयर करूँगी। जैसा कि मेरे, मतलब हर साल ही मैं कुछ ना कुछ शेयर करती हूँ आप लोग के साथ बर्थडे का। तो बेटे को, मेरे बेटे को रीडिंग का शौक है, तो उसके लिए कुछ बुक्स ऑर्डर की थी मैंने। साथ में उसके साथ में जब उसके कुछ ऑर्डर करो तो विधि के लिए भी कुछ ऑर्डर करना पड़ता है, क्योंकि उसका फिर हो जाता है कि मेरे लिए नहीं किया आपने, तो विधि के लिए भी कुछ बुक्स ऑर्डर की थी। अच्छा, ऑर्डर करने में और ऑनलाइन लेने में, ऑफलाइन लेने में क्या डिफरेंस है? मैंने बुक्स जाके मतलब ऑफलाइन भी चेकआउट किया, लेकिन ऑफलाइन में वो बिल्कुल भी कुछ भी डिस्काउंट नहीं दे रहे थे, जबकि ऑनलाइन में आपको बहुत सारे अच्छे ऑफर्स मिल जाते हैं। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है। प्लस कुछ और चीज़ें जो मैंने ली हैं, एक दो वो आपको दिखा देती हूँ, और जिनकी भी लिंक्स अवेलेबल होंगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी आपके साथ, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि अभी आने वाला है वैलेंटाइन, और वैलेंटाइन पे हम सभी गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को। जो लोग देते हैं, तो प्रेम दिवस है, भगवान का दिन है, मतलब हर दिन ही प्रेम दिवस है, हर दिन ही लव डे है, तो वैलेंटाइन डे है मेरे अकॉर्डिंग, मेरी फैमिली के अकॉर्डिंग। लेकिन हाँ, फिर भी जो लोग सेलिब्रेट करते हैं उनको गिफ्ट लेना होता है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ में मैंने बहुत अच्छी शॉप्स दिखाई हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आप लखनऊ में रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे थोड़ा भी तो लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और आपको क्या अच्छा लगा मुझे बताइएगा। तो 27th का मौसम देखिए क्या हाल है। ठंड तो बहुत ज़बरदस्त थी, हल्की हल्की सी धूप निकल रही थी, बस सूरज देवता अब जाने ही वाले थे, तब मैं मार्केट के लिए निकली थी, और पूरा फुल प्रोटेक्शन के साथ। भूतनाथ मार्केट देखिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, थोड़ी बहुत भीड़ तो रहती ही है, हमेशा ही कुछ ना कुछ लोगों को लेना ही रहता है, और सब कुछ स्कूल कॉलेज मतलब बंद है, स्कूल तो बंद है लेकिन कॉलेज और ऑफिस तो खुले हुए हैं, तो वो सब की वजह से थोड़ा बहुत चहल पहल हमेशा ही रहती है। तो सबसे पहली जगह जो मैं गई थी वो थी आर्चीज़ भूतनाथ, जहाँ पे यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल बुक स्टोर है, और उसमें ही आर्चीज़ है। तो ये जो मुझे सबसे पहले एंटर करते ही जो चीज़ अट्रैक्ट की, वो इस तरह से छोटे छोटे जो थे, इसमें कोटेशंस लिखे हुए थे, लव कोटेशंस थे, ये बहुत अच्छे लगे। 119 रुपीज़ का था, साथ में बहुत सारे छोटे छोटे क्यूट क्यूट गिफ्ट आइटम्स थे। ये वाला कप मुझे पसंद आया कि चलो एक ले लेती हूँ, लेकिन एक्सपेंसिव लगा 399 का। और मैंने कप्स, अगर आपने लास्ट टू थ्री इयर्स में मैंने वीडियोस शेयर किए हैं बर्थडे के, तो आपने देखा होगा मैंने उसके लिए कप बनवाए थे, तो कप्स वगैरह मैंने फिर स्किप कर दिया, और कुछ ऐसे गिफ्ट आइटम्स मैंने देखे। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था शोपीस, लेकिन बॉटल थी, बहुत डेलिकेट था, बच्चों के लिए ऐसे गिफ्ट्स अच्छे नहीं होते, मुझे थोड़ा सा लगता है यूज़फुल, लेकिन मैं आप लोग के लिए शेयर कर रही हूँ। अगर आप वैलेंटाइन गिफ्ट्स देख रहे हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही क्यूट क्यूट चीज़ें हैं। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ मेरे को अच्छी लगी थी वो थे एक बुद्धा, जो मुझे बहुत पसंद आए थे, और बुद्धा तो वैसे भी देखते ही बहुत ही पॉजिटिविटी मिलती है, ये देखिए कितने क्यूट हैं, इनको देखते ही स्माइल आ जाती है फेस पे, तो बहुत ही सुंदर सुंदर इस तरह के छोटे छोटे क्यूट क्यूट हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे दिल ले गई मेरा, वो थी ये छोटी छोटी डायरीज़, जो कि थी बहुत ही अच्छी, स्पेशली फॉर वैलेंटाइन ये आई हुई थी। ये स्टॉक मेरे सामने ही उन्होंने ओपन करके दिखाया, और विद इन बहुत ही बजट में है, बहुत छोटी छोटी डायरीज हैं जिसपे लव कोट्स लिखे हुए हैं,
क्यूट क्यूट जो न्यूली मैरिड कपल है या जो न्यू कपल्स हैं या जो डेट कर रहे हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स, वो लोग एक दूसरे को दे सकते हैं। वैसे तो वैलेंटाइन का मतलब होता है किसी से भी अपने प्यार का इजहार करना, तो आप ले सकते हैं। और इस तरह के कोटेशंस वाले मैग्नेट्स भी थे, ये भी विद इन बजट हैं, आप किसी को भी दे सकते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे गिफ्ट्स देना बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ से पेरिस गिफ्ट कॉर्नर, जो कि भूतनाथ जो मंदिर है उसके बगल में ही है। और वहाँ पे ये BTS के इस तरह के जो छोटे छोटे स्टैचूज या छोटे छोटे क्यूट क्यूट ये हैं ना सारे, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। मैं BTS का फ़ैन, मेरे घर में कोई नहीं है। विधि को पसंद है ब्लैक पिंक, और यहाँ पे डोरेमोन है, मिनियन है, कप्स की रेंज है, गिफ्ट्स के बहुत सारी रेंज है, और बहुत ही अच्छा गिफ्ट शॉप है ये। मतलब यहाँ पे आपको हर एज ग्रुप के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिल जाएंगे। और ये देखिए वैलेंटाइन स्पेशल, छोटे छोटे क्यूट क्यूट, बहुत ही प्यारे हैं। इनको तो देख के ऐसा लगता है कि सब ले जाओ। लकी कैट है, तो ये सारे। और मैं जब घर आई तो मैं दो तीन चीज़ें बुक्स लेके आई थी विधि के लिए, क्योंकि अनन के लिए कुछ गिफ्ट्स लाई थी, तो विधि के लिए मैंने एक दो बुक्स ले ली और स्टिकर ले लिया। ये मैंने यूनिवर्सल से लिया था, और ये बुक्स 50 रुपीज़ वाली थी, ज़्यादा महंगी नहीं थी। और ये एक कार्ड लिया था स्पेशली बेटे के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा था। और एक एक्वेरियस का साइन लिया था इस तरह से, फ्रिज मैग्नेट। तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, छोटी छोटी शॉपिंग की, क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया है, उसको बड़ी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो बड़ी चीज़ें मुझे कुछ देनी नहीं थी। और रात में 12 बजे के लिए मैं 2 पेस्ट्री लेके आई थी, 1 चॉकलेट, बस इतना। मॉर्निंग जब हुई तो हमारी, तो मॉर्निंग में मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ लग रही थी, और रात में तो हमने फ़न किया ही था, मतलब के पेस्ट्री। अब वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, क्योंकि विधि को पसंद है वाइट फॉरेस्ट, और अनन ने मेरा जो है ना पूरा चॉकलेटी बॉय है, उसको चॉकलेट बहुत पसंद है। हर बार तो मैं केक बेक भी करती थी, लेकिन इस बार कुछ नहीं किया मैंने, और तबीयत नहीं सही थी। 28 को पूरा लंच में उसका फेवरेट डोमिनोज का पिज्ज़ा, क्योंकि उसको यही चाहिए होता है हमेशा। पूछो बेटा क्या चाहिए, मम्मी कुछ अच्छा बना दो, कुछ स्पेशल बना दो, खाने का शौकीन है तो हमेशा कुछ ना कुछ स्पेशल। तो बस ब्रेकफास्ट सिंपल सा था, सैंडविचेस थे, और उसके बाद मैंने उसके लिए ऑर्डर कर दिया था। मेरा और विधि का तो परहेज वाला खाना था, मतलब मैंने अपने लिए सिंपल तहरी बना ली थी। और रात में केक आया था, और केक ये दिन में ही आ गया था, जो बुआ ने और चाचा ने ऑर्डर किया था, हमने नहीं किया था। और बहुत ही सुंदर सा केक था, बहुत ही प्यारा सा। और ये जो उसके गिफ्ट आइटम्स हैं, जिसमें कि एटॉमिक हैबिट्स मैंने बुक उसके लिए ऑर्डर की थी, और ये सारे गिफ्ट्स। एक्वेरियस का मैंने ये वाला मैग्नेट लिया था। आई एम लकी इनफ कि मेरे पास दो बॉयज़ हैं जो तो मेरी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट, वो दोनों ही एक्वेरियस हैं। और सच में जो लिखा है ना, मतलब वो बिल्कुल सही लिखा है एक्वेरियस के लिए। अगर आपके पास कोई ऐसा फ्रेंड है तो उसको कभी छोड़िएगा मत, तो बिल्कुल सही है। लॉयल होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। चलिए आपको सारी चीज़ें एक एक करके दिखा देती हूँ। छोटा सा ही वीडियो शूट किया है मैंने, ये कुछ कैरेक्टर्स लिए मैंने। ये जो है हैरी पॉटर का कैरेक्टर है, और ये जो है आयरन मैन का है। तो ये विधि, मतलब अब लग रहा है ना कि बच्चा बड़ा हो गया है तो अब उसको ये सब चीज़ें नहीं दे सकते, तो इस बार मैंने सोचा कुछ इस तरह की चीज़ें दे देते हैं। फिर उसके बाद तो मतलब पता नहीं मतलब क्या होगा। तो ये कुछ कुछ बुक्स खरीदी है, ये अनन के लिए है, ये विधि की है। तो इन सभी की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। रीडिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है, और बुक्स गिफ्ट करना, अगर कोई रीडिंग का शौक रखता है उसको, अगर आप बुक्स दीजिए तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो अनन को बुक्स शुरू से ही मतलब बुक्स का है, तो उसको कुछ भी मतलब हर साल ही कुछ ना कुछ बर्थडे पे। लेकिन हाँ, अभी बहुत कम हो गया पहले से, क्योंकि अब जो है बच्चे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे हैं, सभी बच्चे, मेरे एक्सेप्शन नहीं है सभी बच्चे, लेकिन हाँ फिर भी रीडिंग मतलब थोड़ी बहुत तो चलती रहती है। तो उम्मीद है ये पूरा वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा, और फ्रेंड्स फैमिली के साथ मेरे वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं शेयर करती हूँ वृंदावन ब्लॉग्स, घर बैठी वृंदावन के दर्शन करिए। तो वृंदावन की वीडियो सबके साथ शेयर करिए, खुद भी देखिए और दूसरों को भी दिखाइए। अच्छी चीज़ें सबके साथ मिल बैठ के देखनी चाहिए। तो कोशिश रहती है कि मैं आपके साथ वृंदावन के मैक्सिमम वीडियोज शेयर करूँ हमेशा, तो कोशिश जारी रहेगी। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।